चलो पहला प्रश्न क्या है देखो जैव विविधता क्या है मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए ठीक है देखो 2017 में 18 में 19 में 22 में प्रश्न पूछा गया है ठीक है इस बार भी आएगा ठीक है तो आप लोगों को याद होना चाहिए जैव विविधता क्या है मानव जीवन में इसका क्या महत्व है वो देखने वाले हैं तो देखो सिंपल लिखेंगे कि जैव विविधता में जो वनस्पति तथा वन्य जीवन एवं मनुष्य में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु तथा मानव की अनेक जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं और इसी को हम जैव विविधता कहते हैं जैव कहने का मतलब रहा है कि जैव विविधता में आपके वनस्पति हुआ वन्य जीव हुआ मनुष्य हुआ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु अनेक मानव के अनेक प्रकार की जातियां ये सब पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहते हैं जैव विविधता के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है ठीक है और लिखेंगे कि मनुष्य को जैव विविधता के कारण आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिससे जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव होता है और ऐसे में जैव विविधता मनुष्य के लिए अत्यंत क्या है महत्वपूर्ण देखिए जितना हो सका था उतना हमने शॉर्ट आंसर इसका देने की कोशिश किया है ताकि देखिए पूरा तो याद हो नहीं पाएगा आप लोगों को एक दो बार इसको पढ़ के और अपने दिमाग में फिट करके याद करके आना है हु याद नहीं कर पाएंगे आप कभी नहीं याद कर पाएंगे आप लोगों को अपने लॉजिक से याद करना पड़ेगा कुछ पॉइंट आप लोगों को मेन याद करके और वही एग्जाम में लिख कर और अपने से बनाकर लिख देना एग्जाम में ठीक है यही काम करना है और पूरा याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है ठीक है चलिए ये पहला प्रश्न आप लोग नोट कीजिएगा जैसा कि देख पा रहे हो सत्रह में अठारह में उन्नीस में बाईस में और तेईस यहां पे जुड़ेगा बहुत जल्द ही जुड़ने वाला है ठीक है तो इसलिए प्रश्न को याद कर लेना चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न देखो ये तो प्रश्न बहुत ज्यादा हाईलाइटेड जानकारी भी होगी इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को कि चिपको आंदोलन क्या है देखो तेरह में चौदह में पंद्रह में सत्रह में उन्नीस में बाईस में प्रश्न पूछा गया है चिपको आंदोलन क्या है तो चलिए देखते हैं चिपको आंदोलन होता क्या है देखो चिपको आंदोलन जो है चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है वन के रक्षा के लिए जो पेड़ पौधे कट रहे थे उनकी रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन और इस आंदोलन का जो सूत्रपात किए थे कौन सुंदरलाल बहुगुड़ा ने किया था और वो भी हिमालय क्षेत्र में किया था ठीक है हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे कट रहे थे उस कटाव को रोकने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया कौन सुंदरलाल बहुगुड़ा जिसका नाम था चिपको आंदोलन और इसके अंतर्गत देखिए क्या होता था कि लोग पेड़ों से चिपक चिपक कर कर उनकी रक्षा करते थे चिपक कर मतलब होता है कि पूरा देख रेख में कि पूरा में कोई पेड़ को काट ना पाए पूरा सख्त करवाई के साथ ठीक है वही उनका कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत लोग जो है पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते हैं यह आंदोलन वनों वृक्षों की कटाई रोकने में सफल हुआ साथ ही इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि जो स्थानीय पौधे की प्रजातियां का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान भी सफल बनाया जा सकता है ठीक है तो यह जो आंदोलन उन्होंने चलाया था बिल्कुल सफल हुआ ठीक है इससे पेड़ पौधे कटने बंद हो गए चिपकू आंदोलन जो उन्होंने चलाया था कौन सुंदरलाल बहुगुड़ा ने तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए और डेट भी हमने देखा है आप लोगों को कि तेरह चौदह पंद्रह सत्रह उन्नीस बाईस में प्रश्न पूछा गया है तो तेईस में आने में वक्त ज्यादा लगेगा नहीं इसको ठीक है और आपके पास इसको याद किए रहेंगे तो चार नंबर कहीं नहीं गया है आप लोगों का चलो अगला प्रश्न देखो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे डिस्कस करते हैं बहुदेशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ठीक है सोलह में उन्नीस में बीस में इक्कीस में बाईस में तेईस में आने में वक्त वक्त नहीं लगेगा ठीक है तो चलिए जानते हैं बहु बहुदेशीय परियोजना से क्या लाभ होता है क्या हानि होता है लिखेंगे कि नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है नदी पे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं जैसे बाढ़ नियंत्रण हो जाता है सिंचाई भी हो जाता है विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन भी हो जाता है मछली पालन भी हो जाता है और ऐसी योजनाओं को ही हम क्या कहते हैं बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है और इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो भैया कुछ हानि भी होगा कुछ लाभ होंगे कुछ हानि होंगे तो वही पूछा है कि लाभ और हानि बताइए तो देखिए लाभ की बात पहले करेंगे उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन घरेलू और औद्योगिक उत्पादन जल आपूर्ति बाढ़ नियंत्रण मनोरंजन आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है इसलिए बांधों को बहुद्देश परियोजना भी कहा जाता है और यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग है। इसके खाने का मतलब है कि लाभ इसलिए होगा क्योंकि नदी पर अगर बांध बनाएंगे सिंचाई भी कर लोगे विद्युत उत्पादन के लिए आप लोग उपयोग होगा ही होगा जल आपूर्ति कर लोगे ठीक है बाढ़ उससे नियंत्रण रहेगा वहां पे मछली पालन भी कर सकते हो बांध बनाकर ठीक है बना तो बहुत सारे लाभ हैं लेकिन कहीं ना कहीं हानि भी तो है तो हानि भी तो देखना पड़ेगा अब देखो हानि क्या है कि नदियों पर अगर बांध बनाने पर उनका नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक भाव अवरुद्ध हो जाता है प्राकृतिक तो दूसरी दिशा में जाकर कहीं क्षति न पहुंचा दे तो वही कह रहा है कि नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका जो प्राकृतिक भाव है अवरुद्ध हो जाता है उनका मुड़ जाता है जिसके कारण जो तलछट बहाव कम हो जाता है अत्यधिक तलछट जलाशय की तलों पर जमा होता रहता है जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है जैसे जैसे वहां पे पानी अगर आप इस तरह रोक दिए पानी जैसे जैसे रुका जाएगा मिट्टी के कड़े जमते जाएंगे जमते जाएंगे और यह चट्टान का रूप धीरे धीरे धारण करने लगेगा ठीक है वही करा कि नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है और बा बाध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं जिससे जलीय जीवों को नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है ठीक है कह रहा है कि बांध बनाने से दिशाएं मुड़ जाती है जहां पे आवश्यकता होती है पानी की वहां पानी पहुंच नहीं पाता जिससे फसल नहीं हो पाएगी बहुत सारी अवसर तो पूर्ति नहीं हो पाएगी तो यह हानियां भैया तो कुछ लाभ था कुछ हानि था हमने बता दिया आपको अच्छे तरीके से नोट कर लो और अपने दिमाग से अपने तरीके से इसको याद करना है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है एक तर्क दीजिए तो चलिए जानते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी एनसीआर टी का प्रश्न है लगातार ये पूछा आ रहा है पंद्रह सत्रह में उन्नीस में बीस में इक्कीस में बाईस में तेईस में हंड्रेड परसेंट आएगा ठीक है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है तर्क देना है देखते हैं सिंपल लिख के लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है जरूरी तो है किस लिए क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है ठीक है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को जो आदेशा है कम हो जाता है और ये सामाजिक टकराव जो है हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है और इसलिए सत्ता की सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा होता है और बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है इसलिए हमें क्या होती है कि सत्ता की जरूरत होती है और सत्ता की बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए भी ठीक है अब देखो ये प्रश्न है अब आप सोचोगे गुरु जी याद कैसे करें इतना डिफिकल्ट है तो देखिए याद करना की कोई उपाय नहीं भैया रट्टा मार लोगे तो बहुत अच्छी बात है नहीं रट्टा मार पाओगे तो कुछ उसके मेन पॉइंट याद कर लो कुछ इसके तरीका याद कर लो कि एग्जाम में आकर कुछ ना कुछ बनाकर लिख देना यही तरीका होता है याद करने का दो ही ऑप्शन होगा या तो पूरा का पूरा याद कर लो बहुत अच्छी बात है नहीं याद हो पा रहा है तो उसके बारे में समझ लो और यही सम, समझदारी एग्जाम में अपना पेश कर देना उसी तरह लिख के बनाकर कुछ ना कुछ लिख देना नंबर मिल जाएंगे यही ऑप्शन ही है और मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है चलो लेकिन याद कर लेना क्योंकि इंपोर्टेंट तो अभी एग्जाम में तो आएगा अब आपकी मर्जी याद किए रहोगे या नहीं किए रहोगे लेकिन एग्जाम में आने वाला है ठीक है तैयार रहना इसके लिए अगला प्रश्न देखो संघवाद क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीआरटी का प्रश्न है तेरह में तेरह से स्टार्ट हुआ है

अनुसंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है देखो संघवाद सरकार का एक रूप होता है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार उनके विभिन्न अनुसंगिक इकाइयों में बट जाती है जैसे मैं अब हम देखेंगे संघवाद की प्रमुख विशेषताएं तो देखिए संघवाद की तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है थीके? अलग अलग विशेषता कम से कम तो पांच तो विशेषता लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है तो पहला विशेषता जल्दी जल्दी नोट करो पहला यह है कि यहाँ सरकार दो या अधिक अस्त्रों वाली होती है यहाँ पे सरकार दो या अधिक अस्त्रों वाली होती है तो सिंपल है याद कर लोगे दूसरा क्या है कि अलग अलग स्तर की सरकारें जो है एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक पर शासन करेंगी पर कानून बनाने पर और कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है देखो कितना अच्छी बात है कि अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक पे काम करेंगी एक ही समूह पर शासन करेंगे पर कानून बनाना होगा अगर कर वसूलना होगा प्रशासन की बात आए तो उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है ठीक है तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है तीसरा यह है कि विभिन्न स्तरों की जो सरकारें के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है मतलब इसके जो अधिकार के क्षेत्र हैं वो आपके संविधान में लिखित हैं और इसलिए उसके स्तर के जो अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी है वो क्या होती है सुरक्षा देता है उसको ठीक है संविधान चौथा देखिए इसका क्या है कि संविधान के जो मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है अगर मौलिक संविधान में जो मौलिक प्रावधान है अगर उसको बदलना होगा तो किसी एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती है ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है बहुत अच्छी पॉइंट है ठीक है और पांचवा इसका यह है कि जो वित्तीय वित्तीयता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की जो सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित

सत्ता के बंटवारे में किन तीन बंटवार का वर्णन करना है देखते हैं उत्तर में लिखेंगे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है मतलब तीन सूची में इसका विवरण किया गया है ठीक है इसके विभाजन का पहला संघ सूची संघ सूची क्या होता है कि इसमें प्रतिरक्षा और विदेश बैंकिंग संचार मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में विषय हैं इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है देखिए संघ सूची में क्या होता है कि जो इसमें प्रतिरक्षा की बात हो चाहे विदेश बैंक की बात हो चाहे संचार मुद्रा जो भी हो उसको राष्ट्रीय महत्व के विषय विषय में यह संघ सूची बनाई गई है और इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है ठीक है और दूसरा आता है राज्य सूची ठीक है देखिए राज्य सूची में क्या होता है कि इसमें पुलिस आते हैं व्यापार और वाणिज्य कृषि सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय में आते हैं और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है इसमें तो आपको केंद्र सरकार को है संघ सूची बनाने में लेकिन राज्य सूची बनाने में राज्य सरकार को या इसमें क्या आता है तो पुलिस व्यापार और वाणिज्य कृषि और सिंचाई आते हैं ठीक है याद रखिएगा और तीसरा है समवर्ती सूची देखो समवर्ती सूची क्या होता है कि इसमें शिक्षा हुआ वन हुआ मजदूर संघ हुआ विवाह हुआ जैसे विषय शामिल होते हैं और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र को और राज्य दोनों सरकार को होती है लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकरा हो तो केंद्र सरकार द्वारा बना बनाया कानून ही मान्य होता है लेकिन दोनों में अगर टकरा हो जाए कि केंद्र सरकार की बात मानी जाए या राज्य सरकार की तो उसमें केंद्र सरकार की ही कानून जो व्यवस्था होती है उसका मान्य होता है जो अपने पक्ष में डिसीजन लेता है केंद्र सरकार वही लागू होता है तो देखो यहाँ पे तीन हमने विशेषता बता दिया अब बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है तैयार कर लेना चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो अगला प्रश्न यह है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए कितनी चार दशाओं का वर्णन कीजिए देखिए तेरह में चौदह में पंद्रह में सत्रह में अठारह में उन्नीस में बीस में बाईस में प्रश्न पूछा गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए चार दशा चार दशाओं का वर्णन करना है ठीक है लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की जो सफलता के लिए आवश्यक चार दशाएं निम्नलिखित हैं कौन कौन सी पहला तो आपका निष्पक्ष प्रेस होता है निष्पक्ष प्रेस क्या होता है कि लोकतंत्र की जो सफलता के लिए निष्पक्ष प्रेस प्रेस का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता होता है प्रेस जो होता है क्योंकि जो दलों और पूंजीपतियों से स्वतंत्रता होनी चाहिए और ताकि वह सच्चे समाचार दे सके और स्वस्थ जनपद निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्रेस देखिए ईमानदार और निष्पक्ष और संकुचित सांप्रदायिकता भावनाओं से ऊपर हो तो देखिए निष्पक्ष ये प्रेस आप लोगों का जो कि पहली दशा थी और इसमें आप लोगों ने देखा कि जो लोकतंत्र की सफलता के लिए निष्पक्ष प्रेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें जो पूंजीपतियों जो पूंजीपतियों लोग होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और सच्चे समाचार दे सके इसलिए यह प्रेस बनाया गया और स्वस्थ जनपद निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और प्रेस सीमानदार और निष्पक्ष संकुचित संप्रदायिकता भावना से ऊपर है तो देखिए जो जो मेन पॉइंट पढ़ रहा हूँ वही पॉइंट आपको याद करना है और एग्जाम में लिखना है ठीक है अगर याद करने की क्षमता है तो याद कर लीजिए बहुत अच्छी बात नहीं याद करने की क्षमता है तो दिमाग लगाइए कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और वही दिमाग में रखिए एग्जाम में जैसे आता है बना के लिख के चले आना ठीक है यही तरीका होता है ठीक है अगला पॉइंट देखो दूसरा है गरीबी का पहला तो निष्पक्ष प्रेस था और दूसरा है गरीबी कांत गरीबी कांत में लिखे हुए कि लोकतंत्र की जो सफलता के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी का अंत किया जाए और जनता को भरपेट भोजन मिले और मजदूरों का शोषण न हो तथा समाज में आर्थिक समानता हो इसको तो अपने तरीके से लिख दोगे क्योंकि गरीबी का अंत आप लोग जानते हो वही कह रहा है कि गरीबी के अंत में कि गरीबी का अंत किया जाना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए और जरूरी भी है और जो भी लोग हैं उसको भरपेट भोजन मिलना चाहिए और मजदूरों का शोषण न हो उनको काम मिलना चाहिए ठीक है और यही समाज में आर्थिक समानता हो ठीक है है तो तो गरीबी का अंत वाला टॉपिक आप अपने तरीके से क्योंकि सिंपल है। तीसरा जो है वह है आप लोगों का कि राजनीतिक दलों का आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना अब देखेंगे कि राजनीतिक दलों का आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित होना क्या होता है कि लोकतंत्र की जो सफलता में जो राजनीतिक दलों का विषय होता है। राजनीतिक दल जो होता है और पर आधारित होकर आर्थिक तथा तो राजनीतिक सिद्धांतों पर भी आधारित होना चाहिए ठीक है यह आपका तीसरा है चौथा हेडिंग डालोगे नागरिकों का उच्च चरित्र ये लास्ट हेडिंग है नागरिकों का उच्च चरित्र इसमें लिखोगे कि लोकतंत्र की जो सफलता के लिए नागरिकों का जो चरित्र होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए और नागरिकों में जो सामाजिक एकता की भावना होनी चाहिए सबको एक अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें एक समस्या पर राष्ट्रीय हित से सोचना चाहिए और उच्च चरित्र का नागरिक अपना मत नहीं बेचता है है ठीक और न ही झूठी बातों का क्या करता है प्रचार करता है वही उन्हीं बातों तथा सिद्धांतों का साथ देता है जिन्हें वो क्या करता है वो ठीक समझता है तो ये नागरिकों का उच्च चरित्र होना चाहिए ठीक है वो अपने काम पे अड़िग होना चाहिए और जो जिसके हित में बात हो उसी हित के बात में करना चाहिए उसको तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को चलिए तो ये चार हेडिंग था हेडिंग आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिया क्योंकि छह नंबर के लिए, लिए प्रश्न आते हैं एग्जाम में ठीक है और देख पा रहे हो लगातार यह प्रश्न पूछा गया हुआ है तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं देखो यह प्रश्न छह नंबर के लिए सबसे ज्यादा प्रश्न है है ठीक 2023 के लिए इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि विकसित देशों के कि तीन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो विकसित देश हैं उनकी क्या विशेषता होती है कोई विकसित देश हैं तीन कम से कम तीन विशेषताओं का वर्णन करना है सबसे पहले लिखेंगे कि जिन देशों ने प्राकृतिक संस थानों, तथा तकनीकी के ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है वो विकसित देश कहलाते हैं विकसित देश को मतलब कहा जहाँ पे तकनीकी टेक्नोलॉजी ज्यादा हो आर्थिक विकास वहां पे ज्यादा हो ठीक है वो तो विकसित देश कहलाते हैं ठीक है और जैसे में ब्रिटेन हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ जापान जर्मनी विकसित देशों के ये तीन प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं ठीक है देखो ब्रिटेन जो आपका अमेरिका है जापान है जर्मनी ये सब लोग विकसित देश है क्योंकि वहां पे प्राकृतिक संस्था टेक्नोलॉजी हुआ आर्थिक विकास हुआ सब लोग उच्च स्तर पर पाए जाते हैं ठीक है अब इसकी विशेषता देखने वाले हैं तो देखो पहला तो विशेषता यह है कि उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्रा, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ठीक है लिखोगे इसमें देखिए प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होती है प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की आर्थिक विकास के आधारशील होता है क्योंकि पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन देश आर्थिक विकास की कुंजी होती है और विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं और यही कारण है कि जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकों का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकसित किया है इसी टेक्नोलॉजी के कारण ठीक है तो देखो उन लोगों के पास आर्थिक विकास को लक्ष्य प्राप्त करने के सफल होने की यहां पे उन लोगों का बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान और उन्नत तकनीकी उपयोग करके तीव्रता से विकसित हुए हैं लोग तो जो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों को ना तो ये मेन पॉइंट है जो पढ़ रहा हूँ यही पॉइंट आप लोगों को याद करना है हालांकि आप तो पूरा लिखोगे और एक दो बार अपने से पढ़ना अपने दिमाग से सोचना आपको जैसे सुविधा लगे कि हम, मैं इस प्रश्न में क्या याद करूंगा कौन से मेन पॉइंट है कैसे याद करूंगा उस प्रकार आप याद करना हालांकि मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ बता रहा हूँ कि इंपोर्टेंट है अब आपका तरीका क्या है कौन से पॉइंट आप याद करोगे एग्जाम में लिखोगे वो अपने तरीके से याद करना ठीक है तो तो ये पहली हेडिंग थी ठीक है अब देखो दूसरा हम लोग गंग लिखेंगे क्योंकि तीन बताना है पहला विशेषता का विशेषता है यहाँ पे देखिए दूसरा यह है कि वृहत स्तर पर औद्योगिकरण ठीक है वृहत स्तर पर औद्योगिकरण क्या होता है कि सभी विकसित देशों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना स्तर स्तर पर पर कर ली है बड़े मतलब जैसे ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान व जर्मनी ये सभी देशों ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है और इन देशों में देखिये लोहा इस्पात उद्योग रसायन उद्योग हुआ आपका इंजीनियरिंग उद्योग हुआ मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग निर्माण उद्योग और वायुवान निर्माण उद्योग आदि तीव्र आदि से विकसित हुए क्योंकि उन लोगों को ये मालूम है कि हम लोग किस पे वर्क करना है तो इसलिए वो लोग इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए हैं तो वृहत स्तर पर औद्योगिकरण है और इसके बाद अगर तीसरे बात करें तो अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था इसमें हम लोग लिखेंगे देखिए विकसित देशों में जो यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास है वो उच्च स्तर पर कर लिया गया है इन देशों में देखिये सड़क वृहत रेल पथों जाल बिछा है ट्रांसरियम रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा लंबा रे, रेल मार्ग आपको मालूम है इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन जैसे नदियों झीलों नहरों आदो आदि बहुत अलग अलग तरीके के अतिरिक्त स्वचालित मोटर गाड़ियों विद्युत रेलगाड़ियों पनडुब्बी हुआ आधुनिक जलयानों हुआ हवाई जहाज बड़े बड़े इन देशों एक दूसरे के निकट ला दिए हैं और इन देशों में संचार साधनों भी अत्यधिक विकास हुआ है ठीक है ये अत्यधिक विकसित में आप लोग लिखना अत्यधिक अगर विकास किन क्षेत्रों में हुआ है तो इन सारे क्षेत्रों में हुआ है ठीक है तो आई होप क्लियर हो गया होगा तीन विशेषता लिखना था तीनों हमने बता दिया अच्छे तरीके से दिखवीर आप लोगों को बस नोट करना है आप लोगों को ठीक है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ठीक है 2022 में प्रश्न और बहुत सत्रों में प्रश्न पूछा गया है मालूम है कि इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी जिसे मनरेगा नरेगा के नाम से जाना जाता है ठीक है राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम देखिए लिखेंगे इसमें कि केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया गया और इसे ही हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जिसे दो हजार पांच नरेगा 2005 भी कहते हैं उन्होंने कहा कि 200 जिला में कम से कम यहाँ पे काम करने के लिए कानून बनाया गया है दो सौ जिलों में काम होगा ठीक है और इसी का नाम दिया गया नरेगा इसके प्रमुख उद्देश्य थे पहला उद्देश्य था कि उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं जो काम के योग्य है उन्हें सौ दिन के लिए सालाना थीके? वर्ष में सौ दिन तक काम उनको मिलेगा। उस सरकार देगी काम। काम मजदूरी तो भत्ता देगी उन्होंने वादा यह किया कि अगर हम काम नहीं दिलवाते हैं तो भाई हम रोजगारी भत्ता देंगे ठीक है और तीसरा कारण यह था कि इस अधिनियम में उन कामों की वरीयता दी जाएगी जिनमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने की मदद मिलेगी अगर भूमि से भविष्य में अगर उत्पादन बढ़ाने की मदद मिलेगी तो वहां पर उनको दी जाएगी भविष्य में, उनके कामों के लिए। तो ये में सबसे ज्यादातर तो तो जितना हो सके प्रीवियस पेपर करते रहिए और मैं हालांकि करा भी रहा हूँ और 825 बीवाई कोड था हमने कल की वीडियो में आप लोगों को खंड क पूरा करा दिया था ठीक है खंड क नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पहले उसको देखिए और आज हम खंड ख देखने वाले हैं ठीक है और खंड ख के पूरे के पूरे हम लोग सोलूशन देखेंगे यहाँ पे और खंड का जरूर से आप लोग देख लीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी से आएंगे ठीक है तो आज खंड ख पूरा का पूरा फुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खंड का जरूर से देखिए अगर रिक्वेस्ट है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लो चलो खंड ख स्टार्ट करते हैं चलिए देखिये खंड

पंद्रह का गो होगा राइट right आंसर होगा गन्ना ठीक है तो देखिए पंद्रह का ग गन्ना तो इ, इस तरह एग्जाम में थोड़ी लिखना आप लोगों को नहीं इस बार ये तो मैं सोलूशन बता रहा हूँ इस तो इस बार तो मिलेगी आप लोगों को भरना है ये तो मैं सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ ठीक है लिखना नहीं आप लोगों को आप लोगों को ओमरशिप पे भरना है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निम्न में से कौन सी रोपण फसल है गन्ना ठीक है अब मैं डायरेक्ट इसी को बता दे रहा हूँ आप याद कर लीजिएगा निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रिय है लोहा पवन ऊर्जा ज्वार था देखिये जो लोहा है ना वो आप लोगों का पुनः चक्रिय संसाधन मतलब कि जैसे लोहा को आपने किसी आकृति में कोई शेप में डाला है अब उसको पिघलाकर फिर उसे दूसरे शेप में आप बदल सकते हो मतलब पुनः चक्रिय है ठीक है वो चलता रहेगा उसको आप परिवर्तन करते रह सकते हो ठीक है चलिए तो ये भी हो गया आप लोगों का अगला प्रश्न देखो सत्रहवा प्रश्न क्या है कोरबा प्रसिद्ध है देखिए कोरबा कोयले के लिए प्रसिद्ध ट्रिक लगा हुआ है और मैं करा भी चुका हूँ कि कोरबा है, है निम्न में से कौन से रेशेदार फसल है तो इनमें से सभी रेशेदार फसल है सबको मालूम है कपास भी जूट भी और प्राकृतिक रेशम तीनों आप लोगों का रेशेदार फसल है ठीक है ये सभी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में ठीक है बस आप पढ़ते रहो अच्छे तरीके से

दो उदाहरण दीजिए तो चलिए देखते हैं कि अपूर्ण चक्रीय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है चलिए देखिए प्रश्न उत्तर संख्या इक्कीस डालेंगे इस तरह लिखेंगे अपूर्ण चक्रीय प्राकृतिक संसाधन संसाधन हेडिंग हेडिंग रहेगी मेन और इसमें लिखेंगे कि ये लंबी भूवैज्ञानिक समय अवधि के माध्यम से बनते हैं कह रहा है कि जो अपूर्ण चक्रीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो लंबी भूवैज्ञानिक समय अवधि के माध्यम से बनते हैं बहुत लंबे समय से ठीक है और कह रहा है ये संसाधन एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं ठीक है एक बार अगर आपने उसका प्रयोग कर दिया तो समाप्त हो जाएंगे अतः इन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है और इस प्रकार के संसाधनों में आपके खनिज आते हैं और जीवाश्म में ईधन आते हैं जैसे जीवाश्म में ईधन हुआ खनिज हुआ उसको एक बार आप यूज कर लोगे तो दोबारा यूज नहीं हो जैसे पेट्रोलियम है पेट्रोल एक बार खर्च हो जाता है तो दोबारा आपको आ जाएगा क्या उसमें से नहीं तो ये सब अपूर्णचक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं ठीक है क्लियर हो गया आप लोगों का प्रश्न नंबर इक्कीस ठीक है आप देखो प्रश्न नंबर बाईस प्रश्न नंबर बाईस मेरे प्यार भी यह है कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई दो समस्याएं लिखिए कोई दो समस्या लिखना में दिखा देता हूं यहाँ पे देखिए कोई दो समस्या लिखना है अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई दो समस्याएं लिखिए तो देखिए इसका लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या बाईस यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या बाईस चलिए तो पहला लिखेंगे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय जो है वो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय से क्या होती है कम होती है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक का आय होगा ना वो संगठित क्षेत्र के श्रमिक की आय से क्या होगा कम होता है पहला दूसरा लिखेंगे असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी न होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थाई होता है ठीक है तो हमको दो ही समस्या पूछा था अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र का और दोनों समस्या हमने बता दिया मतलब प्रश्न नंबर बाईस भी क्लियर हो गया ठीक है चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर तेईस की तरफ देखते हैं देखिए प्रश्न नंबर तेईस क्या है देखिए प्रश्न नंबर तेईस बोला यार कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है चलिए जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को कौन सा क्षेत्र कैसा है जो लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या तेईस का आंसर अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र याद रखिएगा ठीक है तो ये प्रश्न नंबर तेईस भी क्लियर हो गया ठीक है अब यहाँ से प्रश्न नंबर चौबीस स्टार्ट होगा लघु उत्तरीय प्रश्न है जैसा कि देख पा रहे हो जो कि यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर चौबीस से करा कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखिए क्वेश्चन नंबर है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से क्या समझते हैं उदाहरण से बताना है चलिए उत्तर देखते हैं देखिए प्रश्न उत्तर संख्या ट्वेंटी फोर है तृतीय क्षेत्र ठीक है और लिखेंगे इसमें कि तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं कह रहा कि जो तृतीय क्षेत्र की गतिविधि होती है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती करती है तो उसकी करती है उसकी हेल्प और ये गतिविधियां जो है, आ, का उत्पादन नहीं करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं उत्पन्न को थोक एवं खुदरा वस्तुओं को थोक एवं खुदरे विक्रेताओं को बेचने के लिए आ, जैसे ट्रकों व ट्रेनों आदि परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है कभी कभी ये होता है कि वस्तुओं के जो गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है हमें उत्पादन और व्यापार में सुविधा के लिए टेलीफोन पर दूसरों पर दूसरों के वार्तालाप करने या संवाद या बैंकों से ऋण लेने की भी आवश्यकता होती है और परिवहन भंडारण और संचार बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ क्या है ये सब उदाहरण है ठीक है और चूंकि लिखेंगे आगे कि चूंकि ये गतिविधियों वस्तुओं के अलावा सेवाओं को सृजन करती है इसलिए तृतीय क्षेत्र की सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है अब देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा हमसे प्रश्न पूछा था कि अर्थव्यवस्था तो की तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं तो देखिए तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इस प्रकार है और जिस प्रकार हमने आप लोगों को बताया थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को परेशानी होगी याद करने में दिक्कत होगा लेकिन अब करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई क्वेश्चन तो आने वाला है एग्जाम में ठीक है तो आप इसको एक बार दो बार जैसे ही आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो आप इसका सारांश निकाल लोगे कुछ ना कुछ मेन पॉइंट्स आप लोग याद कर लोगे ठीक है और उससे मेन पॉइंट्स आप लोगों को लिख देना है चलिए तो इसी प्रकार आप लोगों को नोट करना पड़ेगा और इन चीजों को याद करने पड़ेगी एक दो और तीन बार पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे ठीक है अब मैं बैठ के तो याद करवाऊंगा नहीं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था हमने बता दिया आप लोगों को सोल्यूशन बता दिया अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से इसको याद करते हो ठीक है एग्जाम में आएगा इस बात से श्योर में हो एग्जाम में सारे प्रश्न आएंगे आपको चलिए

हेडिंग बनाएंगे पहला तापमान देखिए तापमान क्या करता है और कह रहा है तापमान 30 डिग्री से अड़तीस डिग्री के बीच तथा हाँ पकने के समय 12 से 14 डिग्री के तापमान की आवश्यकता हो होती है कह रहा है कि जैसे उसका, उसका अंकुरण कराया जाएगा तो लगभग तीस से लेकर अड़तीस डिग्री के सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और अगर उसके पकने का समय अगर हम बताएं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए तो 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान होना चाहिए तो तापमान बहुत ज्यादा रिनोट करता है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें वर्षा तो वर्षा बहुत आवश्यक है वर्षा में हम लोग लिखेंगे कि गन्ने की जो फसल के लिए अधिक नमी की हो आवश्यकता होती है ठीक है और अतः भारत में जो गन्ना है वो सौ से लेके सौ सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तो सिंचाई करके गन्ना की कृषि की जाती है ठीक है यहाँ पे लिखेंगे कृषि ठीक है अगर जहां पे कम वर्षा होती है वहां पे तो अधिक सिंचाई करना पड़ेगा हम लोगों को तभी तो वहां पे गन्ना हो पाएगा ठीक है तो ये चीजें वर्षा पे डिपेंड है उसका वर्षा की क्या भूमिका होती है गन्ने की खेती के लिए तीसरा होती है मिट्टी के लिए अतिन ही पूछा था ठीक है तो मिट्टी का क्या अहम भूमिका है गन्ने की खेती के लिए लिखेंगे कि गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ दोमट जो नमी युक्त एवं चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है मतलब दोमट मत मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है गन्ना खेती के लिए और दक्षिण के पठारी भागों में लावा निर्मित काली मिट्टी भी गन्ने की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है ठीक है काली मिट्टी भी मानी जाती है अच्छी लेकिन दक्षिण के पठारी भागों में जो लावा युक्त से मिट्टी बनी होती है ठीक है और चूना व फास्फोरस मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए विशेष उपयोगी होती है और इसकी कृषि में जो रासायनिक उर्वरक भी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है ठीक है तो यह आप लोगों का पूरा पूरा भौगोलिक तीन दशा पूछा था तीनों भौगोलिक दशाओं का हमने वर्णन किया और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इतना याद रखिएगा यह प्रश्न हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में आएंगे ठीक है तो अगर हम बात करें ट्वेंटी फोर का अथवा भी हमने कर दिया ठीक है ट्वेंटी फोर का अथवा वाला भी प्रश्न हो गया अब हम देखने वाले हैं ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं उदाहरण सही सब बताइए देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर बार आया इस बार भी आएगा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं चलिए प्रश्न नंबर पच्चीस का हम लोग सलूशन देखते हैं देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर पच्चीस ठीक है पूछा था कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं ठीक है लिखेंगे कि भारत जो है भारत पेट्रोलियम की प्राकृतिक उपस्थिति से संबंधित घटनाएं टर्सियरिय युग की सेल संरचनाओं की अपनति अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुकी भू परते व भ्रंश ट्रेपो से जुड़ी हैं। कह रहा है कि भारत की जो पेट्रोलियम की प्राकृतिक उपस्थिति है वो कुछ संबंधित घटनाएं जैसे टर्सरी युग की सेल संरचनाओं की अपनति मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुकी भू भ्रंश एवं से जुड़ी हुई हैं जैसे तेल धारक हो सकता है लगभग तिरसठ परसेंट भाग जो है मुंबई हाई से और अठारह परसेंट भाग गुजरात से और सोलह परसेंट भाग असम से प्राप्त होता है ठीक है अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है इसके लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जैसे डिंगबोई डिंगोई नहरकटिया एवं मुरन हुगरीजन है ठीक है इसके उत्पादक क्षेत्र और अगली हम डालेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत साधन क्या क्या है देखिये तो इन इनमें लकड़ी कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित होते हैं तथा इनके पुनः निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं अतः ये अपनी प्रकृति में सीमित और अन्य होते हैं ठीक है देखिये प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा ये प्रश्न का सलूशन हमने किताब से लिया है ठीक है और जब इसको आप क्वेश्चन बैंक से इसका सलूशन देखोगे तो इसमें भी आप लोगों को कुछ अलग तरीके से इसको समझाया गया है कुछ अलग वर्डों में ठीक है तो यह मैं आप लोग ठीक है तो वहां से भी लिख सकते हैं और यह वाला आप सोलूशन भी लिख सकते हो ठीक है तो हमको तो यह सुविधा लगा है क्योंकि ये बहुत आसान था ठीक है इसलिए हमने इसको किताब वाला भी लिखा है मैं चाहता हूँ कि जितना सरल तरीके से आप लोगों को लिखा मिलेगा उतना ही आप लोगों को याद कर पाओगे अच्छे से तो चलिए और का अगर की बात करें, तो क्या कह रहा है पचीसवा का अथवा देखिए पच्चीसवा का अथवा क्या है इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग पचीसवा का अथवा था कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं तो इसको भी हम है? लिखेंगे हम कि विकास किसी देश की सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है स्वतंत्रता सुरक्षा और दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा आर्थिक सहायता और जीवन जीने का उच्च स्तर आदि सभी विकास के क्या है महत्वपूर्ण सब भाग है ये सभी महत्वपूर्ण भाग है विकास के विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित कर सकता है तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है किसी क्षेत्र की सभी देशों में जब विकासात्मक गतिविधियों चलती हैं तो प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करता है कि शांति भंग न हो अन्यथा विकास का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ठीक है और एक हेडिंग हडिंग डालोगे कि विकास की पारंपरिक अवधारणा दो पहलुओं को दर्शाती है कौन कौन तो पहला पहलू है कि लोगों के विकास के लक्ष्य को भिन्न हो सकते हैं लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं अलग अलग तरीके से हो सकते हैं सबका विकास जो होता है सब कोई अलग थॉट से उत्पन्न होता है और दूसरा कि एक व्यक्ति के लिए भी हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास न होकर विनाशकारी हो सकता है ठीक है तो ये दो अवधारणा है विकास के पारंपरिक अवधारणा दो पहलुओं पर दर्शाती है दोनों पहलू को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और यह प्रश्न पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया यहाँ तक आपको नोट करना है यह प्रश्न आपका था पच्चीसवें काथवा और पच्चीसवें काथवा भी हो गया आगे बात करेंगे तो अब दीर्घ आ गया प्रश्न दीर्घ उत्तरी है जो कि आप लोगों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और छह नंबर के लिए प्रश्न आता है ठीक है तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है और इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले एडिंग डालेंगे प्राकृतिक संसाधन लिखेंगे प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं कह रहा जो प्रकृति से हमें प्राप्त कोई भी संसाधन है जिसका उपयोग हम मनुष्य के लिए उपयोग होता है जिससे हम उसका उपयोग कर सकते हैं उस सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे जैसे मिट्टी हुआ जलवायु वनस्पति खनिज वर्षा ऊर्जा सभी हम लोगों के काम आती है ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे कह रहा कि सभी प्राकृतिक संसाधन है ये सभी जो मनुष्य के लिए उपयोगी है भारत में भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चवाच भूवा कृति जैसे जलवायु व वनस्पति पाई जाती हैं इसके कारण अगर बात करें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की मिट्टियां भी पाई जाती हैं तो मिट्टियों के विकास में योगदान भी उनका मिलता है उसी मैदान में जलोढ़ मिट्टी दक्षिणी प्रायदी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी तथा अगर हिमालय के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वनीय एवं पर्वतीय मिट्टी मिलती है राजस्थान में गुजरात में बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी तथा पश्चिमी घाट में बात करें तथा पूर्वी घाट एवं राजमहल पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों में एक है समस्त जीवधारी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अपने जीवन के लिए मिट्टी पर ही क्या होते हैं निर्भर होते हैं ठीक है यहाँ तक आपको नोट करना है इसके बाद हमसे संरक्षण भी पूछा था तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए तो संसाधनों का संरक्षण में लिखेंगे कि विकास के क्रम में विकास के क्रम में सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं उनका जो विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक है वर्ष अगर उन्नीस सौ सतासी में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया था कब उन्नीस सौ सतासी में Uh, कौन सा संसाधन संरक्षण था इनका नाम याद रख लीजिए जाए ब्रथलैंड कमीशन रिपोर्ट संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का जो व्यापक रूप में उल्लेख किया गया था और इस उद्देश्य की जो पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को भी उचित बताया गया है ठीक है तो यह था आप लोगों का प्राकृतिक संसाधन और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हो सके उतना लिख कर दो बार तीन बार चार बार जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों की ठीक है ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी कम्प्लीट हो गया अगर अगला प्रश्न बात करेंगे तो छब्बीसवा का कि भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए दोनों प्रश्न अगर तैयार है तो दोनों में हंड्रेड परसेंट एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो चलिए देखते हैं कि भारत में जो कृषि के महत्व है उस पर हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो चलिए डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को देखिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या छब्बीस का अथवा लिखेंगे यहाँ से कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्धारक शक्ति है यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग पंद्रह परसेंट का योगदान करता है बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है बिल्कुल सही बात है आधा से अधिक लोग तो पूरे कृषि पर ही निर्भर है और जीडीपी में योगदान कितना है कृषि का तो पंद्रह और यह क्षेत्र द्वितीय उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है ठीक है अगली एडिंग आप डालोगे की कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उसका रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या है ठीक है तीनों हम लोग एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं लिखेंगे कि जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात जो है उन्नीस से निरंतर से निरंतर मतलब घटने के उपरांत भी यह देश की लगभग कितना चौवन दशमलव छह परसेंट जनसंख्या के लिए और रोजगार और आजीविका का ये क्या है साधन है कृषि का जो सकल घरेलू उत्पादन में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध और व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे तो समाज के लिए क्या होगा वो व्यापक माना जाएगा ठीक है कृषि के महत्व को अगर समझते हुए, अगर अगर समझते भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे क्योंकि भारतीय कृषि में जो सुधार के लिए भारतीय कृषि और अनुसंसान परिषद व कृषि विद्यालय की जो स्थापना हुई है पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना भगवानी विकास मौसम विकास और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंसाधान और विकास को वरीता दी गई है ठीक है तो देखिए पूरी की पूरी हमने अच्छे तरीके से डिटेल में इसको लिखा है जिस प्रकार आप लोगों को किताब में लिखा गया है पूरा हुआ हुआ हमने उस प्रकार लिखा है कर कर और आप लोगों को तो पूरा याद होगा नहीं कभी भी किसी को याद नहीं होता है पूरा इसी को आपको एक दो बार दो बार पढ़ना है तीन बार इसी के कुछ चीजें आपको ये दिमाग में चलेंगी उसी को आप लोगों को हेडिंग बनाना है और कुछ मेन पॉइंट्स को हाईलाइटेड करना और अपने से बना के लिख देना यही तरीका होता है सामाजिक विज्ञान याद करने का आपको लग रहा है क्या कि जितना लिखा गया आप याद कर पाओगे आप याद करोगे मैं भी नहीं याद कर पाऊंगा ये पूरा मुझे भी लिखना होगा तो मैं यही अब सोचूंगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आने वाला है तो इसकी हेडिंग याद करूंगा और इसके कुछ मेन पॉइंट्स याद करूंगा और ये प्रश्न कहना क्या

कह रहा कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक को बताइए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण वैश्वीकरण ठीक है है ये भी इंपॉर्टेंट तो चलिए देखते हैं हैं किसे कहते और उसको संभव बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको भी देखेंगे देखिए प्रश्न उत्तर संख्या सत्ताईस लिखेंगे कि अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है ठीक है कह रहा है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है कह रहा है कि दो देशों के अगर अलग अलग देशों के बीच अगर संबंध की बात करें और एकीकरण की प्रक्रिया की बात करें वही आप लोगों का वैश्वीकरण कहलाता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में बहुत निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण है जिसमें तो से पहला आपका उदारीकरण लिखेंगे कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं किसको करा सरकार द्वारा व्यापार और हटाने की प्रक्रिया को, को उदारीकरण कहते हैं और उदारीकरण के कारण अनेक देशों के 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 बीच जो जो व्यापार 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 तथा निवेश को को बढ़ावा मिला है जो है व्यापारियों मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है और इससे क्या होता है कि जो आयात और निर्यात को क्या मिलता है बढ़ावा मिलता है ठीक है तो उदारीकरण में आप लोगों के हेडिंग बना के आप लोगों को लिखना है दूसरी अगर हेडिंग की बात करेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हेडिंग डालेंगे आप ठीक है दूसरा कारक है बहुराष्ट्रीय कंपनियां लिखेंगे इसमें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं विभिन्न देशों के बीच अगर अधिक से अधिक से वस्तुओं और सेवाओं निवेश और प्रौद्योगिकों का आदान प्रदान हो रहा है और इससे जो विश्व के अधिकांश भाग हैं वो एक दूसरे की अपेक्षा अधिक पास आ रहे हैं ठीक है अगर सुविधा दोगे अपने देशों से अलग देशों में तो अगर जो चीज उन देश में नहीं आपके पास है तो उससे एक दूसरे में एकता बनेगी वो चीजें आपसे निर्यात आयात करेंगे ठीक है आदान प्रदान चीजें करेंगे आपके पास जो नहीं होगा वहां से लेंगे उनके पास जो नहीं होगा वो आपके यहाँ से लेंगे ठीक है अगला है उन्नत प्रौद्योगिकी इसमें लिखेंगे कि वैश्वीकरण को प्रेरित करने में औद्योगिकी में तीव्रत उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है कह रहा कि परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच जो दूरी है कम हो गई है सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है और दूर संचार कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई है ठीक है यह उन्नत प्रौद्योगिकी में आप लोगों को हेडिंग डाल देना ठीक है थीके? बस आप लोगों का खत्म ठीक है तो प्रश्न नंबर है ये क्लियर हो गया ठीक है इसके बाद अगर देखें अगला प्रश्न तो ट्वेंटी सेवन वैश्विकरण किसे कहते हैं उसको संभव बनाने वाले कारक हमने बता दिया अगला है अथवा क्या है कि उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है छह नंबर के लिए आता है उपभोक्ता के जो अधिकार है वो कौन कौन से अधिकार है उस पर हम लोगों को एक निबंध लिखना है छह नंबर के लिए प्रश्न आते हैं चलिए उसको देखते हैं चलिए देखिए तो प्रश्न उत्तर संख्या सत्ताइस का अथवा डालेंगे या लिखेंगे यहाँ पे ठीक है कि उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन जो किया था 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में तथा उन्नीस और उन्नीस के संशोधनों में किया गया है उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार जो है निम्नलिखित है ठीक है अधिकार पूछा था अलग अलग तो पहला अधिकार हम लोग डालेंगे कि सुनवाई का अधिकार ठीक थी, है छह नंबर के लिए प्रश्न है टोटल छह अधिकार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहला सुनवाई का अधिकार इसमें लिखेंगे कि उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षति क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार होता है बिल्कुल सही बात कह रहे हैं इस कार्य को पूरा करने के लिए जो सुनवाई का अधिकार है सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है बिल्कुल बहुत अच्छी लैंग्वेज में चीजें लिखी गई हैं कि सुनवाई का अधिकार होना ही चाहिए बिल्कुल तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहले है, ठीक है एक बार दो बार पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और दूसरा जो है वो कौन सा अधिकार है तो उपभोक्ता शिक्षा अधिकार है और इसको देखेंगे कि उपभोक्ता शिक्षा अधिकार क्या है लिखेंगे कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए सरकार प्रयत्न करती है उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं वस्तुओं के के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल ठीक जिससे वह खरीदने से पहले उस जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल शिक्षा अधिकार होना ही चाहिए आप लोगों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई वस्तु आप खरीद रहे हो तो उसके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए इतना आप लोगों का शिक्षा का अधिकार होना चाहिए तीसरा है कि प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण का अधिकार प्रस्तुतिकरण का अधिकार क्या होता है कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं या संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके और यह संगठन उसे उसकी समस्याओं के समाधान में मदद कर सके बिल्कुल सही बात है हर एक कोई भी समस्या है उसका एक संगठन समस्याओं को प्रस्तुत कर सके और संगठन उसकी समस्याओं को समाधान में मदद कर सके ठीक है यह प्रस्तुतिकरण का अधिकार होता है आगे अगर हम बात करें तो सुरक्षा का अधिकार सुरक्षा का अधिकार में हम लोग लिखेंगे कि उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसी सभी वस्तुओं को बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है ठीक है सुरक्षा का अधिकार भी होना चाहिए हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि जो उसके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है वो उसको बिक्री न कर सके वो उसको बचाव मतलब बेच ना सके ना उसको खरीद सके ठीक है जो उसके जीवन के लिए नुकसानदेह है फिर अगला है सूचना का अधिकार सूचना के अधिकार में लिखेंगे कि उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता मात्रा शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सके ठीक है और लास्ट में आप डालोगे कि चयन का अधिकार ठीक है और चयन के अधिकार में लिखोगे कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छा अनुसार चीज का चयन कर सके और सही मूल्य भी चुकाए ठीक है थीके? तो चयन का भी अधिकार यहां पे होना चाहिए ठीक है तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि बहुत अच्छा प्रश्न था कि उपभोक्ता के अधिकारों पर निबंध कि एक उपभोक्ता को किस किस चीज के अधिकार है तो छह टोटल अधिकार हमने बताया कि कोई भी एक उपभोक्ता है उसको छह अधिकार प्राप्त है और छह अधिकार हमने अच्छे तरीके से बता दिया और ये प्रश्न नंबर सत्ताईस क्लियर हो गया अब देखेंगे प्रश्न नंबर अट्ठाइस और प्रश्न नंबर अट्ठाइस मानचित्र है चलिए तो फटाफट मैप ले लेते हैं और इन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे अब देखिए मानचित्र मेरे पास आ गया है और मानचित्र वाला यह हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक है पहला प्रश्न यह है कि गोदावरी नदी को इस चिन्ह द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको बताना है ठीक है कि गोदावरी नदी कहाँ है उसका नाम लिखना है और किस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे इस तरह का आप लोगों का चिन्ह बनाकर इसको डिनोट करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे एक नंबर ठीक है तो चलिए भैया देखते हैं चलिए देखिए तो मैप में हम लोग देखेंगे गोदावरी नदी कहां पे स्थित है ठीक है उसका लोकेशन क्या है गोदावरी नदी का तो गोदावरी नदी अगर यहाँ पे आप इस लोकेशन पहुंचे आप लोकेशन दिख रहा होगा तो यह लोकेशन गोदावरी नदी का होता है तो हमें इस तरह का चिन्ह बनाएंगे जिस तरह का वहां पे चिन्ह बनाया था इस तरह का चिन्ह बनाया था ना इस तरह का हम लोग चिन्ह बनाएंगे और एरो का चिन्ह लगाएंगे और यहां पे पहला लिखेंगे कि यह आप लोगों का गोदावरी नदी है क्या है गोदावरी नदी पूरा का पूरा सेम ऐसे ही करना है आप लोगों को एक नंबर नहीं कटेगा ठीक है गोदावरी नदी है ठीक है अब जाके आप लोगों का एक नंबर मिलेगा क्योंकि हमसे यही कहा था कि इस चिन्ह से आप लोगों को बताना कि गोदावरी नदी कहाँ है तो गोदावरी नदी इसलिए क्वेश्चन पता है इस तरह का चिन्ह बताया और पहला प्रश्न किया है तो पहला प्रश्न का उत्तर गोदावरी नदी है दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि नागा अर्जुन सागर बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है तो चलिए देखते हैं कि नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ पे है जहां पे होगा इस तरह का लोकेशन बनाएंगे ठीक है नागार्जुन सागर बांध ठीक है तो देखिए अगर यह प्रश्न आपको याद है तो तुरंत आप नागार्जुन सागर बांध इसके जस्ट बगल में ही होता है

तो नागार्जुन बांध है तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि नागार्जुन बांध है तब जाके एग्जाम्बल आपको पूरा नंबर देगा ठीक है तो ये नागार्जुन बांध हमने लोकेशन पे बता दिया आप लोगों को ठीक है तीसरा अगर देखें तो तीसरा प्रश्न ये हमसे पूछा है कि दक्षिणी भारत में काफी उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा बताइए तो चलिए देखते हैं कि दक्षिणी भारत में काफी उत्पादक क्षेत्र कहाँ है तो देखिए काफी उत्पादक क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में है ठीक है तो कर्नाटका यहाँ पे लोकेशन हम लोग देखने वाले कि कर्नाटक लोकेशन में कहा पे आता है तो ये कर्नाटका का क्षेत्र होता है तो देखिए किस लोकेशन से कहा था ना पहले उसको देख लेते हैं लोकेशन इस प्रकार का है तो इस तरह हम लोग बनाकर डैश डैश एरो एरोन दे देंगे इस तरह देखिए जिस प्रकार बोला उसी प्रकार ठीक है और यह प्रश्न तीसरा है ठीक है तो यहाँ पे तीसरा हेडिंग डालोगे और क्या आप लोगों को बोला था कि काफी उत्पादक क्षेत्र बोला था ना तो यहाँ पे काफी उत्पादक क्षेत्र लिखोगे आप लोग हिंदी में ठीक है आकोष्टक बना देना काफी उत्पादक क्षेत्र है काफी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटका में है तो कर्नाटक लिख सकते हो लोकेशन पे लिखना चाहोगे तो कोष्टक में लिख लो कर्नाटका में है ठीक है कर्नाटका कर्नाटक में है। ठीक है तो एग्जाम जानो पूरा नंबर तीसरा प्रश्न भी हो गया एक तीन नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया ना चौथा बोला है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र को इस चीन द्वारा बताइए तो कोई आप अगर भारत का एक जूट उत्पादक क्षेत्र आपको मालूम है तो लोकेशन पे उसको जाइए और इस चीन से ये आप लोगों को बताना है तो चलिए देख लेते हैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में एक जूट उत्पादक क्षेत्र है ठीक है तो पश्चिम बंगाल को लोकेशन हम लोग देख लेते हैं पश्चिम बंगाल को लोकेशन कहाँ पे है देखिये ये वाला लोकेशन पश्चिम बंगाल का है यहाँ तक इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और प्लस के से बताता ना तो बीच में प्लस प्लस हम लोग बना देंगे और यहाँ पैरों का चिन्ह लगाएंगे और प्रश्न फोर है ठीक है जूट उत्पादक क्षेत्र है तो यहाँ पे लिख देंगे कि जूट उत्पादक क्षेत्र जूट उत्पादक क्षेत्र लिख लेना लोकेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि कहां पे है पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे कोष्टक में लिख लो ताकि को समझ आ जाएगा कि किस लोकेशन में बताया तो पश्चिम बंगाल वाला कि पश्चिम बंगाल में जो उत्पादक क्षेत्र है उसकी बात किया गया है ठीक है क्लियर हो गया तो ये चौथा हो गया एक प्रश्न और बचा है लास्ट उसको देख लेते हैं आ, करा कि कोची बंदरगाह इस चीन द्वारा नाम बताए कोच्ची बंदर बंदरगाह जो है वो किस लोकेशन पर स्थित है ठीक है तो देखिए इसका सिंपल यहाँ पे यहां पे नीचे जब आओगे ये लोकेशन आप देख पा रहे होगे ये वाला लोकेशन ये लोकेशन जो है वो कोच्ची बंदरगाह का है आप एरो का चिन्ह लगाओगे लिख दोगे कि कोची बंदरगाह है बंदरगाह बंदरगाह बंदरगा है और पांचवा है तो यहाँ पांचवा लिख दोगे ठीक है तो देखो पांचों का पांचों हमने लोकेशन आप लोगों लो को मानचित्र पर बता दिया और यही पांच नंबर के प्रश्न आते हैं ठीक है तो ये भी क्लियर हो गया तो पांच नंबर इसमें और खंड क में भी पांच नंबर का आता है तो उसको मैं करा चुका हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहले जाके उसको पहले खंड क वाला देख लो और ये खंड ख था ठीक है और ये पूरा का पूरा पेपर सलूशन यहाँ पे हमने आप लोगों को 825 सौ पच्चीस बीवाई जो कोड है 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा का पूरा हमने सलूशन बता दिया तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लो और मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए धन्यवाद